जालंधर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त को स्नैचिंग की घटना के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर सिर में चोट लगने के कारण महिला की मौत के मामले को हल करते हुए दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरु शरण सिंह संधू ने बताया कि गांव बंडाला निवासी जोगिंदर सिंह अपनी माता गुरबख्श कौर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जालंधर की तरफ किसी रिश्तेदार को मिलने आ रहा था कि इस दौरान थाबलका पुली के नज़दीक दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने जोगिंदर सिंह की माता के कान में डाली सोने की बालियां छीन ली और जाते समय जोगिंदर सिंह के मोटरसाइकिल को लात मार दी, जिस कारण जोगिंदर सिंह का मोटरसाइकिल डगमगा कर गिर गया और उसकी माता भी सड़क पर गिर गई, जिस कारण गुरबख्श कौर के सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद ही डीसीपी जसकरणजीत सिंह तेजा और सीआईए स्टाफ की पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल ढंग से इस मामले को ट्रेस कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक मोटरसाइकिल सवार आकाश साल की लेडी की डेथ हो गई। गुरप्रताप सिंह नाल मोटरसाइकिल से सवार होके अपने पिंड तो जलंधर कैंटवाल आ रही थी कि रस्ते दे विच दीआं वालीआं टप्प मार के खून हो लईआं, जिस करके वह लेडी सड़क के नीचे गिर गई और सिर पर सट लगन के ना उस जिसने बाद दे विच मोटरसाइकिल उठा के अपनी माता हस्पताल दे विच इलाज वास्ते फगवाड़े दाखिल कराया, जिथे उसनों ब्रॉड डेड डिकलेयर किया गया। सो ये और असी अपनी सारी मशीनरी एकदम अमल दे विच लियांदी। इस दौरान सीआईए स्टाफ और ताकि दोषियों की जंगी पद्धर से भाल की जा सके और इस दे विच भी सानू दोनों दोषियों फड़न दे विच और ये पहला भी इस तरह दीआं वारदातों के मुलव्वज़ रहे हैं।